कहा था कि मेरे वर्कर जो हैं वो भी वहाँ पर शामिल होना चाहते हैं वो कहते हैं ना इज से बिच वो कहते हैं कि जो आप आप ये करते हैं दुनिया में कंसेप्ट जो है इसका हिंदू मेथालोजी का कि जो अच्छा बुरा आप यहाँ पे वो करते हैं ना उसका आपको जो इसी दुनिया में ही उसका सिला अच्छा बुरा आपको मिल जाता है अब ये दोनों जो हैं मेन इस वक्त इस मुल्क को वज़र अजम इमरान ख़ान साहब चला रहे हैं शेखर साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं दोनों ने हे कैसे हो आप लोग हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ guys, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात डिसकनेक्टेड डिसकनेक्टेड हुकूमत है अकाबरीन है चंद तो उसके बाद उसमें क्या हमने तो अचानक देखा लोगों ने तो सड़कें बंद मार कुटाई हो रही है घेराव जलाव हो रहा है पुलिस वालों को, को मारा जा रहा है वो शायद शहीद हो गए लोग फिर उसके बाद वो उधर से हुआ उधर से हुआ फिर खबरें आ गई कि आपने खबरें नहीं, खबर भी नहीं देनी आपने बात ही नहीं करनी बात ही नहीं करनी कर उसके बाद हो गया अल्लाह खैर स तो अब अब इसके ऊपर लो, लोगों की अमलाक जल गई लोग जानों से चले गए पुलिस वाले शहीद हो गए वो जो तहरीके बैक के मुजह उनके वो आम लोग वैक्सीनेशन रुक गई गाड़ियां फंसी हुई हैं तोड़ दी आग लगा दी ये हो गई ये जाने और इनके इनके फैसले जाने डॉक्टर साहब कहाँ है मैंने कहा तो ना ये तो जाने और इनके फैसले जाने ये जाने और इनके फैसले जाने और अल्लाह करे कि मुल्क खैरियत से रहे जो कुछ तमाशा लगा रहा चौबीस घंटे मैंने कहा हुकूमत अलग है रियासत अलग है ये मुशरा साहब के दौर में जो हुआ ना जब ये तालिबान के ऊपर पाबंदी लगी शेख रशीद साहब उस अमल का हिस्सा रहे हैं थ्रू आउट मैं अब शेख रशीद साहब को ज़्यादा हमारे बड़े और एक बड़े उहदे पर बैठे हैं माशाला तो मैं कोई बात नहीं करूंगा मुशरफ साहब ने बड़े तरीके से हैंडल किया तरीका क्या था कि दो बातें एक तो यह है कि तालिबान की एक सोच और उसके काउंटर नैरेटिव एक सोच ठीक है एक यानी एक होता ना कि एक मतलब उन्होंने उसके काउंटर उसको काउंटर करने के लिए मौजूद हैं मुख्तलिफ जो मसाले उलमा हैं मुख्तलिफ के इसको किस तरह से हैंडल आज भी अगर अमेरिका में या फ्रांस में या किसी और जगह पर ऐसा कोई मामला होता है मजहब से रिलेटेड तो वहां पर भी वो जो इस्लामिक काउंसल्स हैं उनसे बात करते हैं जी। उनसे कहते हैं आप इनके बारे में जो गैर मुल्की जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहां पर भी वो कहते हैं कि आप इनके बारे में आप अमेरिका में जाए नाइन इलेवन के बाद तो उन्होंने वहां पर जो इस्लामिक काउंसल्स थी ये थी उनसे कहा कि आप ये इंतहा पसंदी के खिलाफ ये दहशत एक तरीका होता है ना आप इनके खिलाफ आप बात करें आप ये ब्रेन जो भी है आप इनसे डील करें मतलब वहाँ पर उन्होंने आ, इतने साल हो गए बीस साल तो वहाँ प्रेसिडेंट बुश ने फवाद चौधरी को नहीं कहा कि आप जाके जो है वो यहाँ पे मुसलमानों को इस्लाम पढ़ाएं पूरी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ उन्होंने तलाश किया कि काउंटर नैरेटिव कौन होगा कैसे होगा ठीक है या आ, जो कौनलीजा राइस थी उन्होंने शेख रशीद से नहीं कहा उन्होंने कहा कि ये एक मसला पूरी दुनिया में खड़ा हुआ है मुशरफ साहब ने भी ऐसा नहीं किया उल्मा का इजलास हुआ इजलास होते थे मुसलसल और एक काउंटर यहां पर मसला यह है कि सबको ही एक तरफ धकेल दी है सबके सब सियासी सब। जमातें मजहब उनके हैं जमात इस्लामी जे यू आई एफ सुन्नी जमातें मतलब मसाले इस तरह हैंडल हैं अगर ये समझते हैं कि ठीक हो रहा है शेख मैंने कहा ना शेख रशीद साहब उस अमल का हिस्सा रहे हैं उसकी नजाकतें समझते हैं इसमें जनाब अब ये प्रूवन रिपोर्ट्स हैं कि जनाब जब ये टीटीपी के खिलाफ हो रहा था तो इसमें बारिश हजरात जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के और इधर उधर कॉन्सुलेट्स में काम करने वालों की फंडिंग होती वो घुस घुस जाते थे बीच में और दाड़ियाँ रखी होती थी फंडिंग और से और, और। ऐसे। आपने करना क्या होता है एक एक अब टारगेट किलर हैं दहशतगर्द हैं कुछ भी हैं आपने कुछ चादरी बदलनी है ना दाढ़ी बढ़ानी है टोपी पहननी है और जाके गोलियां मार देनी है ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं इसके ऊपर मुशावरत होती है इसके ऊपर ये नहीं होता कि मुझे मिली इतला तो मैंने ये कर दिया ये ऐसे नहीं होता ठीक है ना जत्थों के हवाले नहीं किया जाएगा रियासत को ऐसे नहीं होता इस तरह नहीं एक तरीके होते हैं आपने देखा वहां पे क्या हुआ कैपिटल हिल में वो इंतहा पसंदी जो अमेरिका में जी। उसके बाद वो पूरी उसको निशाने इबरत बना देंगे चौक पे वो ये बात नहीं कर रहा बाइडन वो पूरी की पूरी की हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म कैसे फैला है ये ये व्हाइट सुप्रीमिस्ट कौन है ये कैसे हैं ये फौज के अंदर कितने लोग हैं एक तरीका होता है एक तरीका होता है। तरीके से एक एक, एक तो इंतजामियांजाम तो होगी ना बेचारे पुलिस वाले डीसी वो मोटरवे खुलवा रहे हैं गलीम साहब वो बाकी वो डिप्टी कमिश्नर वो तो अलग है सियासी और मजहबी पहलू जो है वो वो कौन हैंडल करेगा अच्छा उसके बाद फिर यह हुआ अच्छा काउंटर नेरेटिव वो बिल्ड हुआ फिर उसके बाद जो है ना उसके बाद काउंटर नेरेटिव शहर साहब बिल्ड करते रहे उसके बाद क्योंकि एक बड़ा यूटर्न था हो गया था ना तालिबान से एकदम से आपने पीछे कर और उसके बावजूद फिर ये हुआ कि जनाब वो हमले और मुशरफ साहब के ऊपर और जी एस के बात यह है कि इसको इसमें उलमाए कराम को एक बुला लिया जाता जी अच्छा होता मैं बताऊं इसको इसको इतने सालों में ना मैं इसको इस तरह से देखता हूं होता क्या है शेख रशीद साहब क्योंकि जानते हैं ना चीज़ें सारी इसलिए और शख्स हो एजाज साहब एजाज शाह साहब की बात कर रहे थे मैं एजाज शाह साहब होते तो मैं उसे तो शेख साहब हिस्सा रहे हैं इन सारी मजहबी तहरीकों का इनको उसकी, उसकी हिसासीियत का अंदाजा है शेख रशीद साहब को यही चाहिए था कि शेख रशीद साहब एकमा की मुख्तलुमा से रबता करते सियासत अपनी जगह ये मुख्तलिमा से रबता करते और आगे बात करतेमा ही बात करते आके ये जो तहरीक लबैक का इशू तहरीक लबैक का इशू नहीं है मैं बात एक आपको बताऊं यह तहरीक लबैक का कि पे पाबंदी का इशू नहीं है इशू कुछ और है मुझे बताएं 2012 में तेरे लबैक नहीं थी पूरे ये पीपल्स पार्टी का दौर था पीपल्स पार्टी का दौर था दौर था मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का दौर था कोई सितंबर अक्टूबर या ऐसा कोई महीना था दो हजार बारह बारह शायद लोगों को याद हो और यकीन याद होना चाहिए मेरा ख्याल है कि वो एक फिल्म आ गई थी जो, जि, जो जिसमें गुस्ताखाना फिल्म थी और उसके ऊपर पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए थे सिनेमाघरों को आग लगा दी थी मेरा ख्याल से कराची में वो निशाद सिनेमा कैपरी सिनेमा दुकानें बाजार इस ये पेशावर में कोई आठ सिनेमा घरों को आग लगा दी गई थी या दुकानें लूट ली गई थी के एफ सी इधर हमले हो रहे हैं जनाब एगडनल बैंक लूट लिए थे या, याद होगा लोगों को उसके बाद यूट्यूब बंद हो गई थी उस वक्त तहरीकी नहीं थी देखिए बैन हो गई थी अच्छा बात यह है कि उसके बाद फिर वो एक वाक्य पेश आया था सलमान तासीर साह वाला उस वक्त कहां थी तहरीकी लबैक नहीं थी तहरीकि लबैक उसमें बाद में बनी है बात यह है कि एक एक सोच है एक फिक्र उसको उस सोच उस फिक्र को आपने रियासत जत्थों के हवाले अच्छा अच्छा अगर अगर यह है मेरी दुआ कि ऐसा हो कि ये काबू कर लें लेकिन ये होता नहीं है ऐसे होता नहीं है सही ठीक है थीक। कि मोटरवे खुल गए और रनवे खुल गए तो मसला हल हो गया ये इनको बात करनी चाहिए थी बात करनी चाहिए अभी भी अभी भी इनको उलमा को डाल के दरमियान में कि यह मामला तशद की तरफ ना चले जाए मजीद जिसका गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं आपने देखा पाकिस्तान के इस पत्रकार को डेफिनेटली आप इस पाकिस्तान के अगर मीडिया को देखते हैं तो इस पत्रकार को तो आपने बहुत बार देखा होगा मैं इसको डॉक्टर घोचू बुलाता हूँ और मैं इसके वीडियो बहुत अपलोड करता हूँ क्योंकि ये मतलब लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो टाइप की पत्रकार करता है पता नहीं बोलता क्या है करता क्या है बताता क्या है दिखाता क्या है इस तरीके की बातें इसकी होती हैं प्रीवियसली जब भारत में कोई भी आंदोलन होते हैं कोई भी कोई भी इंसिडेंट होता है नक्सलाइट किसान आंदोलन या एनसीआर कुछ भी बंगाल इलेक्शन में हिंसा ये पत्रकार ऊंचा कुचा के इंडिया के बारे में ऐसी रिपोर्टिंग करता है इंडिया टूट रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है बर्बाद हो गया ये हो गया वो हो गया मतलब हंसते हैं पाकिस्तानी और बहुत खुश होते हैं छोटे छोटे इंसीडेंट्स को लेकर लेकिन जब ये पाकिस्तान में इस तरीके का इंसीडेंट हुआ ये कोई छोटा मोटा इंसीडेंट नहीं है ये पाकिस्तान आपको पता है इस्लाम में एक चीज़ है कि वो सर तन से जुदा और ये और वो सब आपको पता है इसमें कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भारत में भी ये बहुत चलता है सारी दुनिया में स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो ये यहाँ के जो मुसलमान इनकी ये बहुत मतलब बहुत इनका इससे मतलब कनेक्शन ज़्यादा है कि ये सर से जुदा और ये और वो जमाने भर की बात है तो पाकिस्तान में ये लोग अब फंस गए उसी जाल में आपको भी पता है कि धीरे धीरे बताया गया कि ये होगा वो होगा वो लोग एक्टिव एक्टिव हो गए और फ्रांस के जो राजदूत हैं उसको भगाने के लिए वो अड़ ही गए कि इसको हम किसी भी तरीके से निकाल कर ही रहेंगे उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी हालांकि इमरान खान की पार्टी ने इस पर बैन लगा दिया इसने भी बोल दिया कि बैन लगाने से कोई भी हल नहीं मिलने वाला है अब सीधी बात है भाई जो पार्टी इतनी ज़्यादा वोट लेती है तीसरे नंबर पर आती है उसके वर्कर पूरे इस्लामिस्ट हैं तो वो कहाँ रुकने वाले हैं और सामने वाले भी इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं दोनों साइड से फंस गए अब सामने वाले के 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 साथ 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 दिक्कत हो 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 गई कि वो अगर फ्रांस राजदूत को भगाते हैं तो प्रॉब्लम पाकिस्तानियों जाएगी जाएगी पाकिस्तान के साथ हो जाएगी जो यूरोपियन यूनियन में जो पाकिस्तानी रहते हैं जो पाकिस्तान का थोड़ा बड़ा व्यापार होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो फंस गए ना अब ये लोग अब धर्म के नाम पर आपने इतना एक तो बौखला दिया और अब दूसरी तरफ से आप इकोनॉमी के चक्कर में अपने पाकिस्तानी लोगों के चक्कर में आप फ्रांस के राजदूत को भगा भी नहीं सकते हो तो मामला लंबा चलेगा खेल लंबा चलेगा अब देखते हैं फ्रांस भी इस जो इंसिडेंट है इसको देख रहा होगा क्योंकि डेफिनेटली ये ये जब सारे लोग मिलकर पाकिस्तान के मतलब सारे ट्रैफिक को पाकिस्तान को रोक सकते हैं तो फ्रांस की एम्बेसी पहुंचने में इनको कितना टाइम लगेगा कोई ना कोई एजेंट पहुंच ही जाएगा और कुछ ना कुछ कर देगा तो उसके बाद तो पाकिस्तान की और भी ज़्यादा बदनामी होगी तो जो भी इसमें अपडेट आती है आपको इसी चैनल पर मिलेगी बाकी डॉक्टर खो चुका इस बार का रिएक्शन काफ़ी देखने लायक रहा मतलब आप समझ सकते हो ये इतना इंडिया तो लेकर इसने क्या क्या बात की कहीं ये सी कहीं इसने एक बार ये तक बोल दिया था कि चाइना की बॉर्डर अब सीधे यूपी से मिलती है मतलब आप समझ रहे हो चाइना की बॉर्डर यूपी से मिला दी इसने लद्दाख पूरा गया सिक्किम पूरा गया वो नॉर्थ ईस्ट की जो सारी सेवन सिस्टर कंट्री है वो पूरी चली गई चीन के पास इस तरीके की बकवास तक इसने कई बार अपने वीडियो ब्लॉग में बोली है और इस तरीके की बातें है की हैं तो मैं तो इसको मतलब इसलिए डॉक्टर घोचू बोलता हूँ दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और इसी तरीके के वीडियो आपको